नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपिका स्वागत करती हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और जैसा कि हमने शुरुआत की थी फीमेल हेल्थ सीरीज की, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर की, यानी कि पहले तिमाही की। पहला ट्राइमेस्टर आपकी जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, उसके फर्स्ट डे से लेकर 12th वीक के एंड डे तक आपका पहला ट्राइमेस्टर माना जाता है। और जब तक आपको ये पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपके प्रेगनेंसी के 5 से 6 हफ्ते ऑलरेडी निकल चुके होते हैं। क्योंकि जब आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो आया था, उसका जो फर्स्ट डे था, उसके बीच में ही आपकी कहीं ना कहीं कंसेप्शन होती है, उसके बाद धीरे धीरे करके इम्प्लांटेशन होती है। और जब आपका पहला पीरियड मिस होता है, उसके 3-4 दिन बाद आप UPT यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, तब तक आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो 5 से 6 हफ्ते आपके इस तरीके से निकल जाते हैं। चलिए अब बात ये करते हैं कि आखिरकार इस पहले ट्राइमेस्टर में होता क्या है। देखिए, जब स्पर्म और ओवम दोनों मिलते हैं तो उसको हम कंसेप्शन बोलते हैं। कंसेप्शन, कंसीव होने के बाद किसी भी फीमेल की फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होती है। फर्टिलाइजेशन का मतलब जो आपके जो सेल और ओवम जो जुड़ के आपका जो बना है, वो आपके यूट्रस के अंदर, यूट्रस की लेयर्स के अंदर इम्प्लांट होना शुरू कर देता है, जिसके बाद उसको हम एम्ब्रियो बोलने लगते हैं। कई कई फीमेल्स को इम्प्लांटेशन के टाइम पे थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, और कई फीमेल्स इससे डर भी जाती हैं, जिसको हम स्पॉटिंग बोलते हैं। थोड़ा बहुत ब्लड आना इज वेरी नॉर्मल, और कई बार प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में कई कई फीमेल्स को पीछे बैक में, लोअर बैक में हल्के हल्के क्रैम्प्स उठ सकते हैं। वो साइन है इम्प्लांटेशन का, वो साइन है कि आपका बच्चा अब यूट्रस के अंदर जमना शुरू हो गया है। तो ऐसे आप घबराए नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग थोड़ी ज्यादा हो रही है, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है जो नहीं कम हो रहा, तो डेफिनेटली आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जल्द से जल्द कंसल्ट करें। जैसे ही जो आपका यूट्रस में जो कंसीविंग का जो प्रोडक्ट है वो इम्प्लांट हो जाता है, उसको हम एम्ब्रियो बोलने लगते हैं। और 6 से 8 हफ्ते में आपके बच्चे की हार्ट बीट को हम सुन सकते हैं। धीरे धीरे करके जब 12 हफ्ते आपके पूरे हो जाते हैं, तो जो बच्चे की जो बोन्स हैं, मसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो फुल्ली जो है वो डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद हम बच्चे को फीटस बोलते हैं। और एंड ऑफ 12 वीक्स में आपका जो बच्चा होता है वो 6 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो जाती है। एंड सेकेंड, आपका बच्चा स्वेलनिंग की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, यानी कि अब आपके बच्चे का जो न्यूट्रिशन प्रोसेस है वो धीरे धीरे करके स्टार्ट हो रहा है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि प्रेग्नेंट होने के बाद किसी भी फीमेल के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। देखिए, बहुत सारी फीमेल्स को जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती हैं, उनके अंदर टायर्डनेस, फटीगनेस आने लगती है, उनको बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है, या फिर उनको बहुत ज़्यादा पहले से नींद आने लगती है। और ये तभी से शुरू हो जाता है जैसे ही उनका पीरियड एंड हुआ, तो आपका 14 या 15 डे में आपकी ओवुलेशन स्टार्ट हुई, उसके एक हफ्ते बाद जैसे ही इम्प्लांटेशन हुई, तो हो सकता है कि उनको अगले मेंसेस की डेट से पहले उनको ये लगे कि हो सकता है उनके मेंसेस आने वाले हैं, बट एक्चुअली उनको थकान पहले से बहुत ज़्यादा होने लगेगी, उनको टायर्डनेस बहुत ज़्यादा होने लगेगी, उनको नींद बहुत ज़्यादा आने लगेगी। तो ऐसे सिम्टम्स प्रेगनेंसी के जो हैं वो बहुत ही अर्ली स्टेज में स्टार्ट हो जाते हैं। कई कई फीमेल्स को नोजिया और वॉमिटिंग रहता है, जो पहले 3 महीने तक कंटिन्यू रहता है, और कईयों को तो 5वें या 6 हफ्ते तक भी कंटिन्यू रहता है। नोजिया यानी कि एक ऐसा जी मचलाना, मतलब नॉर्मल भाषा में बोले तो जी मचलाना, आपको किसी भी चीज को देख के एवर्जन होने लग सकती है, आपको बहुत ज्यादा मतलब देखो, या तो किसी चीज की बहुत ज्यादा क्रेविंग होगी या एवर्जन होगी। कई कई फीमेल्स में आटे से एवर्जन हो जाती है, कई कई फीमेल्स को किसी पर्टिकुलर चीज से, सब्जी से, या किसी पर्टिकुलर टेस्ट से भी एवर्जन हो जाती है। ये बहुत नॉर्मल है, जो धीरे धीरे करके आपको आगे जो है प्रेगनेंसी में, जैसे ही आप पहला ट्राइमेस्टर खत्म होगा, तो 90% फीमेल्स को ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपकी जो वॉमिटिंग है वो ठीक नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि आपको हाइपर एमिसिस ग्रेविडेरम नामक डिजीज हो। हाइपर माने बहुत ज्यादा, एमिसिस माने वॉमिटिंग, ग्रेविडेरम यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आपको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, तो आप तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो। क्योंकि अगर आप वॉमिटिंग ही करते जाएंगे, आपको अंदर न्यूट्रिशन अगर जाएगा ही नहीं,
तो हो सकता है कि ये आगे जाके प्रीटर्म लेबर में कन्वर्ट हो जाए, या फिर हो सकता है कि आपके बच्चे की जो इंट्रा यूट्राइन जो ग्रोथ है वो प्रॉपर ना हो, तो इसका जल्द से जल्द इलाज लेना जरूरी है। दूसरी चेंज क्या होती है? दूसरी चेंज दिखाई देती है आपके ब्रेस्ट में। ब्रेस्ट पहले ट्राइमेस्टर में या आगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी ब्रेस्ट धीरे धीरे करके बड़ी होने लगती है, लार्जर होने लगती है, फुलर अपीयरेंस देती है। साथ में जो निप्पल होता है वो धीरे धीरे करके डार्क होना शुरू हो जाता है, उसका जो एरियोला जो एरिया होता है यानी कि निप्पल के चारों तरफ का जो एरिया होता है वो ब्लैक हो जाता है, और वो बहुत नॉर्मल है। कई फीमेल्स में हो सकता है कि राइट और लेफ्ट जो ब्रेस्ट है उसमें भी थोड़ा बहुत साइज चेंजेस हो जाए, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है कि कई फीमेल्स की जो राइट ब्रेस्ट होती है वो लेफ्ट ब्रेस्ट से थोड़ी सी बड़ी होती है, और प्रेगनेंसी में ये अंतर और भी ज्यादा देखने को मिल जाता है। बट ये नॉर्मल है, जैसे ही आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना शुरू करेंगी या ब्रेस्ट फीड करवाना बंद कर देंगी तो धीरे धीरे करके जो आपके ब्रेस्ट का जो साइज है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। जो बहुत सारी फीमेल्स हैं उनके अंदर मेंटल चेंजेस भी दिखाई देती हैं, यानी कि उनके जो इमोशनल लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, वो मूडी हो सकती हैं, इरिटेबल हो सकती हैं, या तो उनको बहुत ज़्यादा रोना आएगा या फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आएगा। कई फीमेल्स ये कंप्लेन करती हैं कि पहले उनको, जैसे फॉर एग्जाम्पल उनके हस्बैंड से ही ले लीजिए, पहले उतनी लड़ाइयाँ उनसे नहीं होती थी, अचानक से ये लड़ाइयाँ उनकी बहुत ज़्यादा होने लगी है, या पहले उनको गुस्सा इतना नहीं आता था, अचानक से ही उनको गुस्सा आना बहुत ज्यादा शुरू हो गया है। छोटी छोटी बातों पे हो सकता है कि उनका रोना स्टार्ट हो जाए, इरिटेबिलिटी स्टार्ट हो जाए, और कई बार ये इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा भी हो जाती है, जिसकी वजह से फीमेल सारा सारा दिन हो सकता है कि वो रोती ही रहे। तो ये चीजें बहुत नॉर्मल है, समय के साथ ये ठीक हो जाएंगी, इसके लिए आप वरी मत कीजिए। हाँ, अगर आपका ज्यादा चिड़चिड़ापन है तो आप अपने हस्बैंड से बात कीजिए, या अपने रिलेटिव से बात कीजिए, या अपने नियर डियर वन से बात कीजिए, उनको बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है कि आपको कोई सही सलाह दे दे, हो सकता है कि आपको कोई ये बता दे कि हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट होने वाली हैं, तो ये बहुत नॉर्मल है। थोड़ी सी ही चीज़ें, थोड़ा सा ही कॉपरेशन, अगर आप दोनों कॉपरेट करके आगे चलेंगे, आपस में एक दूसरे का कॉपरेशन रखेंगे, तो ये टाइम बहुत जल्दी निकल जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फीमेल है जो पहली बार माँ बन रही है, उसको ये एक्सपीरियंस नहीं है। कई बार बहुत छोटी उम्र में ही लड़कियां जो है वो माँ बन जाती हैं, तो ऐसे केस में जब जो है फीमेल अपने आप को चेंज इतना जल्दी नहीं कर पाती, इतनी जल्दी जल्दी जो हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं बॉडी के अंदर उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती, तो कई बार वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाती है, और ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। तो देखो, प्रेगनेंसी में अगर कोई डिप्रेशन का शिकार हो रहा है तो यस, उसको मेडिकल केयर की जरूरत है, क्योंकि डिप्रेशन इन प्रेगनेंसी विल अफेक्ट योर चाइल्ड डेफिनेटली। जो भी आपका मेंटल स्टेटस होगा प्रेगनेंसी के टाइम पे वो आपके बेबी को अफेक्ट करेगा ही करेगा, इसलिए प्रेगनेंसी में आपका खुश रहना बहुत जरूरी है, आपको अपने आप को संभालना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ना सिर्फ फीमेल्स को बल्कि उनके परिवार वालों को, खासकर उसके हस्बैंड को ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपकी वाइफ प्रेगनेंट है या अगर आपके घर में अगर कोई प्रेग्नेंट है तो ये बहुत जरूरी है कि आप आसपास का जो माहौल है वो खुशनुमा रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो खुशनुमा हो, वो उसके अंदर पॉजिटिव थॉट्स हो, तो आपको प्रेगनेंसी के अंदर जो फीमेल है उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि प्रेगनेंसी में आपको जो पहला ट्राइमेस्टर है उसके अंदर अल्ट्रासाउंड कब कब आपकी गायनेकोलॉजिस्ट करवाने के लिए बोलेगी। पहला अल्ट्रासाउंड आपका TVS अल्ट्रासाउंड होगा, यानी कि ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड, जो आपको 6 से 8 हफ्ते में हो सकता है। ये प्रेगनेंसी कन्फर्मेशन के लिए होता है, और ये कन्फर्म करने के लिए होता है कि आपका सिंगल फीटस है या मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है। दूसरा अल्ट्रासाउंड आपका जो होता है वो 12 हफ्ते पे होता है, और ये जनरली जो फीटस की जो हेल्थ है उसको देखने के लिए होता है। और 6 से 8 हफ्ते में जो TVS अल्ट्रासाउंड है, हो सकता है कि आपको 2 करवाना पड़े, क्योंकि कई बार जो हार्ट बीट है बच्चे की वो पहले अल्ट्रासाउंड में ठीक से सुनाई नहीं देती, तो आपको जो डॉक्टर है वो 2 बाद या 8 हफ्ते या 9 हफ्ते तक भी डॉक्टर आपको दोबारा TVS करवाने के लिए सजेस्ट कर सकता है, जो बहुत नॉर्मल है।
इसके अलावा जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट है वो आपको यूरिन टेस्ट, यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपिक दोनों ही कराने के लिए बोल सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि यूरिन इन्फेक्शन को हम पहले से ही रूल आउट करें। कई केसेस में जो यूरिन इन्फेक्शन है वो प्री टर्म लेबर का कॉज हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि आपको 9 मंथ से पहले ही लेबर पेन स्टार्ट हो जाए, जिसकी वजह से आपके बच्चे के अंदर भी बुरा इफेक्ट आ सकता है। क्योंकि अगर 9 महीने तक आपका बच्चा आपके गर्भ में नहीं रहेगा तो उसकी जो डेवलपमेंट है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, क्योंकि यूजुअली जो बच्चे का वेट होता है वो 8वें या 9वें महीने में ही बढ़ता है, और जो बच्चे की डेवलपमेंट है वो हर महीने के हिसाब से होती है, मैं तो कहूंगी हर हफ्ते के हिसाब से होती है। इसलिए कंप्लीट 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी पूरी करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे केस में जो भी आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो आपको अगर कोई टेस्ट सजेस्ट करती है तो जरूर आप उसको तुरंत के तुरंत करवा लीजिए। जो तीसरा टेस्ट है वो है आपके ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में आपकी गायनेक आपको कंप्लीट ब्लड काउंट कराने के लिए बोलेगी, उसमें आपका हीमोग्लोबिन लेवल चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं होगा, जैसे फीमेल्स के अंदर 13-14 हीमोग्लोबिन रहना जरूरी है, अगर इतना हीमोग्लोबिन नहीं होता तो एनीमिया इन प्रेगनेंसी हो सकता है, जिसके अपने साइड इफेक्ट होते हैं। और डिलीवरी के टाइम पे भी अगर हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं है तो पोस्टपार्टम हेमरेज का खतरा भी फीमेल के अंदर हो सकता है, जिससे मां और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। दूसरा टेस्ट है RH फैक्टर। RH इज रीसस फैक्टर। रीसस फैक्टर एक ऐसा प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स पे मिलता है। अगर वो पॉजिटिव है, मतलब अगर आपके जो वो प्रोटीन है वो रेड ब्लड सेल्स पे है, तो आप पॉजिटिव हैं, नहीं है तो आप नेगेटिव हैं। और ये भी आपको टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि RH इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से कई बार फीमेल के अंदर एबॉर्शंस, मिसकैरेज, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, इस तरीके की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस RH फैक्टर के साथ जुड़ी हुई हैं। माँ जो है वो अगर RH नेगेटिव है और जो बच्चा है वो RH पॉजिटिव है, देन आपको प्रॉब्लम है। देखिए, RH फैक्टर होना कोई बीमारी नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव होना, यस, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, जिसके बारे में मैं आपको एक प्रॉपर एपिसोड हम इस चीज़ का बनाएंगे कि RH फैक्टर करवाना क्यों ज़रूरी है, क्या क्या उसके साथ प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं और किस तरीके से आप उसको रूल आउट कर सकते हैं। ये इसका एक प्रॉपर एपिसोड हम आपको आपके साथ जो है मैं ये प्रॉपर जो है ये RH फैक्टर को मैं डिस्कस ज़रूर करूँगी। तीसरा टेस्ट आपके लिए हो सकता है डायबिटीज़ का। डायबिटीज़, गेस्टेशनल डायबिटीज़, बहुत सारी फीमेल्स को प्रेगनेंसी के अंदर ही डायबिटीज़ स्टार्ट हो जाती है, और डायबिटीज़ की वजह से बिग बेबी सिंड्रोम हो सकता है। अगर किसी फीमेल को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ है तो बिग बेबी यानी कि बच्चा जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, और अगर बहुत बड़ा हो जाएगा, बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा है, उसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, तो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी करवाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और हो सकता है कि उसकी जो ग्रोथ है उसमें भी प्रॉब्लम आए। IUGR की प्रॉब्लम यानी कि इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन की प्रॉब्लम भी डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी के साथ जुड़ी हुई है। तो टाइम टू टाइम जो आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो आपको शुगर लेवल को, शुगर फास्टिंग, शुगर PP या हो सकता है HbA1c का भी टेस्ट आपके अंदर वो ज़रूर करवाए। फोर्थ टेस्ट जो है आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको बोलेगी HIV करवाने के लिए। HIV इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और HIV बहुत कॉमन है, और बहुत सारी फीमेल्स को, बहुत सारे कपल्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेस्ट ही पता चलता है कि यस दे आर HIV पॉजिटिव, यानी कि उनको एड्स की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आपके बच्चे पे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट डाल सकता है, और आजकल हर चीज़ का इलाज है, इसलिए HIV का टेस्ट करवाते हुए घबराएं नहीं और ना ही इस चीज़ को किसी से छुपाएं, क्योंकि जिस लैब में भी आप ये करवाएंगे डेफिनेटली वो आपकी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखेंगे और गुप्त रखेंगे, तो HIV की टेस्ट करवाना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट है वो आपको रिबेला का टेस्ट करवाने के लिए बोलेगी, हेपेटाइटिस बी का टेस्ट कराने के लिए बोलेगी, और सिफिलिस का टेस्ट कराने के लिए बोलेगी, जो बहुत नॉर्मल है। ये सारी STDs हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, और ये प्रेजेंट अगर होती हैं तो आपके बच्चे पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। तो आज के एपिसोड में आपको ये पता चला कि कौन कौन से ब्लड टेस्ट आपको कराने हैं, कौन कौन से वीक में अल्ट्रासाउंड आपको कराने हैं, ब्लड टेस्ट क्यों कराने हैं, ये सारी चीज़ें आज मैंने आपको बताई। अपने नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगी कि जो पहला ट्राइमेस्टर है उसके अंदर जो डाइट में आपको क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना,
किन किन हफ्तों में आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करनी है, वैसे आपको हर चौथे या छठे हफ्ते में आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट जरूर करना है, और ये आपकी कंडीशन के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। अगर आपकी को कोई कॉम्प्लिकेशन है तो हो सकता है कि आपको गायनेकोलॉजिस्ट जल्दी जल्दी आने के लिए बुलाए। हाँ, अपने नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको ये बताएंगे कि पहले ट्राइमेस्टर में आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जरूर मिल जाएगा। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है प्रेगनेंसी से रिलेटेड या किसी भी बीमारी से रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नमस्कार।